पुलवामा आक्रमण को पूरिला तीन वर्ष देश भूलिनी 40 सीआरपीएफ जवान को बलिदान बापा भाई पुओ कोहराई एबे भी गुमरी कांदुछि अनेक परिवार दिन थिला 2019 फेब्रुआरी 14 तारीख भारतीयों पर एक कला दिन पुलवामा राजपथ में लंबा लाइन हो आग को चली सीआरपीएफ जवान मान को नहीं 78 सेना बस ट्रांजिट क्यांप्रु फेरुले प्राय 2500 अधिक सीआरपीएफ जवान ठीक एतिकी बेले जवान को बस को धक्का देथिला आरडीएक्स बोझे कार आउ विराट विस्फोरण रे निमिषक मध्यरे चली गला 40 सीआरपीएफ जवान को जीवन एही लोमो टांकुरा दृश्य को मने पकाइले आज भी सिंहरी उठे प्रत्येक भारतीयों शरीर आउ मने पड़ जाए वीर भारतीयों जवान मान बलिदान एही विस्फोरण एते भयंकर थिला जे खंड विखंडित हो एणे तेणे पड़ा जवान शरीर आउ राजरास्ता हो जाइथिला संपूर्ण रक्त रंजित घटना को नहीं हाहाकार मचाई जाइथिबा बेले शोकरे बुड़ीला पूरा भारतवर्ष शोकरे बुड़ीले प्रत्येक भारतीय आतंकवादी संगठन सईद इ मोहम्मद आक्रमण पर निजक दायी करने पर आरंभ होता भारतीय सेनार दुर्बार ऑपरेशन आउ भारतीय सेना नहीं चरम प्रतिशोध घटनार 12 दिन पर अर्थात फेब्रुआरी 26 रे भारतीय वायुसेना पाक अधिकृत काश्मीर में बालकोट्रे सईद इ मोहम्मद विभिन्न अड्डा उपर आक्रमण कर ध्वंस विध्वस्त करने चल दमनला जो निपात होते 300 ऊर्ध जैश आतंकी भारतीय वायुसेनार यही ऑपरेशन सफल होता बेले हीरो साजिथिले विंड कमांड अभिनंदन वर्धमान यही मर्मन्तुद घटना रे शहीद होते सीआरपीएफ कार्यरत थिबा दुई ओडिया बरपुत्र नियाली रतनपुर गाँव मनोज बेहरा आउ जगतसिंहपुर नाउगा शिखर गाँव प्रसन्न कुमार साहू यही दुई वीर जवान आज नहांती सत हेले दुई जन को बलिदान को नहीं सेमानक परिवार आउ बंधु परिजन निजक गर्वित अनुभव करुछन्ति निश्चय ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।